नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिंतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम भिन्नों के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। भिन्नों का भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, इसके लिए यहाँ पे रूल लिखा गया है। इसका नियम क्या है भाग करने का? यदि दो भिन्न ए बटे बी और सी बटे डी दिए गए हैं, तो यदि ए बटे बी में सी बटे डी से हमको भाग करना है तो कैसे करेंगे, उसका यहाँ पे रूल लिखा गया है। ए बटे बी गुड़े डी बटे सी बराबर ए गुड़े डी बटे बी गुड़े सी। ये है क्या? इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम एक नया शब्द गुणात्मक प्रतिलोम जान लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि यदि कोई भिन्न दिया गया है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखने का मतलब हुआ कि उस भिन्न का जो अंश है उसको हर की जगह पर ले जाया जाए और हर को अंश की जगह पर ले जाया जाए। तो नया भिन्न जो मिलेगा वही पहले वाले भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे c बटे डी है, यहाँ पे d बटे सी कर दिया गया, तो यह d बटे सी इस c बटे डी का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही इस डिवाइजर का हम भाग इसमें किससे कर रहे हैं, इसमें इससे भाग कर रहे हैं, तो जिससे हम भाग करते हैं उसमें परिवर्तन करते हैं। पहले वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, पहला वाला भिन्न वैसे ही रहेगा, दूसरे वाले भिन्न का हम गुणात्मक प्रतिलोम लिख देंगे। अब जैसे ही गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे वैसे ही इन दोनों के बीच में जो भाग का चिन्ह था वह अब गुणे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर गुणा करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में सीख चुका है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए ए गुणे डी अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा यानी बी गुणे सी। इसको हम उदाहरण की सहायता से और स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है 7/12 / 2/3। अब अगर जो यहाँ पे इस नियम को देखा जाए तो इस नियम के अनुसार हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7/12 है। अब ये भाग का चिन्ह हम जब गुणे के रूप में लिखेंगे तो ये हर अंश में जाएगा और अंश हर की जगह पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। पहले वाले भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यहां से हो जाएगा। देखिए अब इसका सरल करने का तरीका क्या है, गुणा करने का तरीका बताया गया था कि उसको अगर जो सरल हो रहा है तो उसको सरल कर लेंगे। तो देखिए इससे ये कट जा रहा है, 3 × 3 और ये 3 × 4 = 12, तो क्या हो गया गुणा, 7/1 आया बटे 4/2 आया, 4/2। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, 7 × 7 और नीचे आ जाएगा 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 7/8। तो यह हो गया पहले भिन्न में दूसरे भिन्न से भाग। अब दूसरा एग्जाम्पल इसको देखते हैं लेकर के। दूसरा एग्जाम्पल दिया है 8/5 / 1/10, यह क्वेश्चन दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला भिन्न -8/5 है, अब जब इसको गुणे के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये -10/1 लिख सकते हैं। इसको चिन्ह को यहीं रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह यहां भी रहेगा तो यहां नहीं लिखेंगे, अगर जो नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो यहां नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब है चिन्ह एक ही जगह लिखना है, चाहे यहां बीच में लिख दिया जाए, चाहे ऊपर लिखे, चाहे नीचे लिखे, एक बार केवल लिखना है। अब जब यह भाग गुणा के रूप में परिवर्तित हो गया तो भाग कर गुणा करने का जो तरीका है उस नियम का हम प्रयोग करेंगे। तो 5 × 5 ये 5 × 2 = 10 हो गया, आया क्या। अब देखिए अब इससे सरल तो होगा नहीं, तो सीधे सीधे इसका गुणा करेंगे, 8/2। यहाँ से देखिए ऋण है, ये भी ऋण है, तो 8/2, नीचे क्या आएगा, 1/1 आ जाएगा। ऋण का गुणा करेंगे, पहले गुणा करते समय पहले चिन्ह का गुणा फिर अंक का गुणा, तो ऋण का गुणा करेंगे तो धन होगा, तो चाहे धन लिखे या न लिखे यहाँ पे, तो 8 × 2 = 16 और 1/1 = 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 16। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है
भागा माइनस 12 बटे 7। इसमें भी वही करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे 18 को 18 ही, इस भाग को गुणा लिखेंगे गुणा के रूप में, तो क्या होगा ये इसका हर अंश में जाएगा और अंश हर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7/12। इस ऋण चिन्ह को चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे चाहे बीच में लिखे, एक बार कहीं भी लिख सकते हैं। तो माइनस मान लीजिए बीच में हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए गुणा करने का क्या तरीका था, गुणा करने का तरीका था कि यदि अंश और हर में कोई संख्या उभयनिष्ठ है तो उससे हम दोनों संख्याओं को भाग कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में 6 उभयनिष्ठ है, 6 से ये भी कट जाएगा 6 से ये भी कट जाएगा, तो ये 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12। तो इस तरह से अब इसका गुणा करेंगे, गुणा करने में क्या आएगा देखिए यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -7 है, इसको ऐसे लिख दें अगर जो 3 × 7/2। तो जब भी हम गुणा करते हैं तो पहले चिन्ह चिन्ह का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब यहाँ प्लस है, तो प्लस का जब माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। अब अंक का गुणा करेंगे अंक से, तो 3 और 7 का गुणा करेंगे, 3 × 7 = 21 और नीचे केवल 2 है तो 2 लिख देंगे। तो इस तरह से 18 में जब -12/7 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा -21/2। अब हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल है 3/4 / -9। इसको कैसे करेंगे तो देखिए पहला भिन्न तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको भाग को गुणे के रूप में बदलना है। तो जब इसको हम भाग को गुणे के रूप में बदलते हैं तो इस भिन्न का जो हर होता है वो अंश पे जाता है और जो अंश होता है वो हर की जगह पे आता है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो कोई हर ही नहीं है, तो इसको हम √1 लिख सकते हैं, इसको एक नीचे समझ सकते हैं, चाहे लिखा रहे या ना लिखा रहे इसका हर एक होगा। अब यहाँ से अगर जो इस तरह से हमने लिख दिया तो फिर ये एक ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 9, और इस चिन्ह को चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे चाहे बीच में लिखे, तो मान लिया जाए यहीं पे लिख दिया गया उसको। अब इसको हम सरलतम रूप में कर लेंगे तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो 3 × 1 = 3 और ये 3 × 3 = 9। अब आया क्या 1 का इसमें गुणा करेंगे, 1 × -1 और नीचे 4 × 3, तो क्या आ जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस और 1 का 1 के साथ गुणा 1, फिर नीचे 4 × 3 = 12। तो इस तरह से ये आ जाएगा -1/12। अब हम लास्ट पांचवा एग्जांपल देखते हैं, पांचवा एग्जांपल है 65/14 / 13/7। प्रक्रिया वही अपनाएंगे, इसमें भी 65/14, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है पहले भिन्न में, दूसरे भिन्न में अंश को हर, हर को अंश बनाएंगे, तो 7/13। इस चिन्ह को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं नीचे रख सकते हैं कहीं भी रखेंगे, तो ये मान लिया जाए यहीं रहने दिया जाए। अब ये भाग जो है गुणा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, सरलतम रूप में इसको लिखेंगे, देखिए 13 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 13 × 1 = 13 और 13 × 5 = 65, और ये 7 से ये कट जाएगा, 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। तो बचा क्या उसका गुणा कर लीजिए, यहाँ 5 बचा है 5 × यहाँ 1 है 1 हो गया, नीचे ये देखिए 2 है और इसके पहले यहाँ चिन्ह जो था उसको भी लिखेंगे, तो √2 आया / यहाँ पे √1 आ रहा है। अब 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, √ का गुणा करेंगे धन और 2 × 1 = 2, ये धन 2 हो जाएगा, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं 5/2। तो ये हमारा हो जाएगा इन दोनों का भागफल। आज के लिए बस इतना ही, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।